बच्चों, अब शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि हम मैथ ही आप लोगों को पढ़ा रहे थे अभी तक। तो कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर फिजिक्स भी आप थोड़ा सा देखिए, फिजिक्स में थोड़ा सा पॉइंट कमजोर हो रहे हैं। तो अब हम आप लोगों को सोच रहे हैं कि भौतिक विज्ञान भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स फिजिक्स के नोट्स आपको अवेलेबल करा दें, तो फिजिक्स के बारे में आपको कुछ पढ़ा दें। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि समय आपकी हिसाब से अगर देखा जाए, पढ़ाई के हिसाब से बहुत थोड़ा सा बचा है। लगभग ये मान के चलिए कि 1 महीने से भी कम का समय बचा है, क्योंकि तो बोर्ड की तरफ से आधिकारिक नोटिस जारी हो चुकी है। अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया, लेकिन नोटिस जारी की जा चुकी है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है फर्स्ट वीक ना स्टार्ट हो पाए या सेकंड वीक में स्टार्ट हो, तो उसके लिए अभी भी कुछ समय बाकी है। अगर आप कंटिन्यूटी आप हमारी क्लास देखते रहेंगे तो आप ये मानिए कुछ नहीं आपने अगर पढ़ा है तो भी आप 40 से 45 नंबर आप गेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो 70 नंबर का ही होगा। क्योंकि 30 नंबर आप जानते हैं प्रैक्टिकल से आपके मिलते हैं, जिसमें 30 नंबर में 15 नंबर बाह्य मूल्यांकन और 15 नंबर आंतरिक मूल्यांकन का होता है। वो चलो अलग बात है कि 30 नंबर आप प्रैक्टिकल से ले आएंगे। उसके बाद जो बचे आपके 70 नंबर, आप मान लीजिए उसमें से 40 या 45 नंबर भी ले आए, तो अगर 45 नंबर आ गए तो आपके 30 प्रैक्टिकल के मिला के आपके 75% मार्क्स हो जाएंगे, मतलब आप डिक्टेंशन मार्क ले आएंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे फिजिक्स की क्लास से भी जुड़ेंगे। तो आप लोग का बस केवल आप लोगों से इतना ही पूछना था कि आप कमेंट करके बताएं कि उसकी टाइमिंग क्या रखी जाए। वैसे हमने जो टाइमिंग सोच रखी है, क्योंकि मैथ की क्लास हम 1 बजे दे रहे हैं 1 PM पर, तो ये मैथ की क्लास का टाइम है। वैसे ही फिजिक्स का जो टाइम है वो हम सोच रहे हैं 2 बजे फिजिक्स की क्लास आपको मिलेगी। तो फिजिक्स की क्लास में आप ये सोचेंगे पढ़ाएंगे क्या, तो पढ़ाएंगे हम वो कि जो आपके पेपर में आएगा, बस मान लीजिए वही पढ़ाना है कि आपके पेपर में जो आएगा हम वही पढ़ाएंगे। क्योंकि पढ़ तो आप चुके ही हैं, 2 साल से आप पढ़ते चले आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, उसके बाद इंटर में पढ़ लिया, तो अब आपको टॉपिक बाय टॉपिक नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आपको पता है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन पेपर में क्या आएगा वो नहीं आपको पता। तो पेपर जो हमारे जो एक्सपीरियंस है अभी तक का, जो 15 साल या 16 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस या इस प्रकार से आपको पढ़ा देंगे कि आप ये मान के चलिए आपको केवल हमारी क्लास देखते रहेंगे तो भी आप 40 से 45 नंबर आप आराम से ले आएंगे, और थोड़ा सा और मेहनत कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। लगभग ये मान के चलिए 60 से 65% नंबर आपके, परसेंट नहीं, 60 से 65 नंबर आप ले आ सकते हैं। तो हम केवल यही आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है। बात समझ में आ रही होगी कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, बस हमें आपको इतना बताना है। तो आपको हम चैप्टर में थ्योरी तो नहीं लिखाएंगे, क्योंकि थ्योरी आपके पास है, वो आप उसे कितने भी क्वेश्चन बैंक्स चल रहे हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। आपको हम जितने भी व्यंजक हैं वो करा देंगे, जो इम्पोर्टेंट व्यंजक है, और आपके जो इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल है आंकिक प्रश्न है उनके बारे में बता देंगे, सब कुछ कायदे समझा देंगे। आप पेपर में जो भी आएगा वो सब छोड़ के नहीं आएंगे, आप कर डालेंगे सब कुछ, ठीक है। तो आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक ये बताएंगे कि पेपर में क्वेश्चन जो आता है वो तो किस प्रकार से पूछा जाता है। वो आपने देखा होगा कि आप जैसे कूलाम का नियम पढ़ते हैं, तो सिंपल हम पहली हेडिंग है कूलाम का नियम, आप जानते हैं कूलाम का नियम एक हेडिंग रूप में आपने पढ़ लिया। लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन जो है कूलाम का नियम के बारे में ही क्वेश्चन जो है वो इतना घुमा के पूछा जाता है कि आप उसी में ही कंफ्यूज जाते हैं। आप मान लेते हैं कि आपको कूलाम के नियम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, कहा जाता है 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए एक सूत्र विस्थापन बल के लिए एक सूत्र बनाइए, तो आप ये भूल गए, अरे उसमें कूलाम का शब्द आया ही नहीं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कूलाम का नियम ही लगेगा, लेकिन आप वहां पर भूल गए क्योंकि शब्द कूलाम का नियम आया ही नहीं। तो आपको बस यही चीज बतानी है
कि आपको कैसे पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। तो हम चैप्टर बाय चैप्टर आपको हर चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से उनको समझना है, किस प्रकार से हल करना है, बस इसी के बारे में जानकारी देनी है। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी, कुछ लड़के और लड़कियों दोनों ने हमसे कहा कि जो मैथ नहीं लिए हुए थे कि सर अरे आप तो मैथ ही केवल पढ़ाते हैं, हम उसमें क्या देखें, क्योंकि मैथ हमारा सब्जेक्ट नहीं है। तो उनके लिए हमने फिजिक्स का अभी कल से हम स्टार्ट कर देंगे, तो उनके लिए भी है। जो कुछ बच्चे कमज़ोर थे जो नहीं पढ़ रहे थे या कहीं कोचिंग में नहीं जा रहे थे, वैसे तो हम कोचिंग में ऑफलाइन जो कोचिंग हमारी चल रही है उसमें हम मैथ और फिजिक्स दोनों ही पढ़ाते हैं। बायो हमारा सब्जेक्ट भी नहीं रहा है और बायो हम पढ़ाते भी नहीं हैं, इस वजह से हम बायो की आपको क्लास नहीं दे सकते। कुछ बच्चों की डिमांड है सर बायो भी आप पढ़ाइए, तो आप ये उम्मीद रखिए कि हो सकता है आगे भविष्य में हम बायो की आप क्लास भी अवेलेबल कराएं। वैसे उम्मीद करेंगे कि आगे भविष्य में आपके लिए सारे सब्जेक्ट की हम क्लास अवेलेबल करा दें, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ, बायो, उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, सारी का आपको क्लास अवेलेबल कराएंगे। लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी हमने मैथ और फिजिक्स जो हमारे सब्जेक्ट हैं हम उन्हीं को लेकर चलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लगेंगे और आप हमसे अच्छे से जुड़ेंगे, और जो लोग वीडियो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए भी कुछ कंटेंट ऐसा होगा कि आप वो वीडियो देखेंगे। कहते भी हैं क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा, बढ़ते रहें बस मंजिल की ओर, बढ़ते रहें बस मंजिल की ओर, हमें कुछ मिले या न मिले तजुर्बा तो नया होगा, हमें कुछ मिले या न मिले तजुर्बा तो नया होगा। मतलब आप समझ गए होंगे, तो अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और कल से आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, धन्यवाद।